हाय, मैं हूँ दीपिका। आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। बॉलीवुड एक्टर विनोद खन्ना का देहांत 70 वर्ष की उम्र में हो गया। बताया जा रहा है कि वे कैंसर के मरीज थे। विनोद खन्ना के देहांत से न सिर्फ बॉलीवुड को बड़ा झटका लगा है, बल्कि लोगों के मन में भी काफी शोक है। वो इसलिए क्योंकि विनोद खन्ना न सिर्फ बॉलीवुड के हीरो थे, बल्कि वो लोगों की जिंदगी में असल हीरो थे। उन्होंने कई लोगों की ऐसी मदद करी है जो कोई अपनों की भी नहीं करता, इसीलिए उन्हें रियल लाइफ में कई लोग हीरो मानते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि विनोद खन्ना जितने अच्छे एक्टर थे, उतने ही अच्छे वो इंसान भी थे। उन्होंने एक हार्ट पेशेंट को नई जिंदगी दी थी। सांसद विनोद खन्ना गांव पनवाल के लोगों के बीच रियल लाइफ हीरो बहुत पहले से हैं। उनकी ये छवि साल 2002 में तब बनी थी जब उन्होंने एक हार्ट पेशेंट को नई जिंदगी दी थी। जी हाँ, उनकी इस दिलदारी के चर्चे आप कई जगह सुन सकते हैं। सांसद विनोद खन्ना की दरियादिली की कहानियाँ लॉस हल्का गुरदासपुर में तमाम लोगों से आप सुन सकते हैं। इन्हीं में एक गरीब परिवार की महिला मंजीत कौर भी थी, जो हार्ट पेशेंट थी। विनोद खन्ना ने इनके इलाज में लाखों खर्च किए और इन्हें एक नई जिंदगी दे दी। महिला के सफल इलाज के बाद लोगों ने खन्ना की दरियादिली देख उनकी फिल्म 1988 में आई दयावान के साथ उनका नाम दयावान रख दिया और इस तरह से रियल लाइफ के दयावान बन गए रियल लाइफ में भी दयावान। भले ही आज विनोद खन्ना हमारे साथ ना हो, लेकिन उनकी ये दरियादिली हमारे दिल में हमेशा बनी रहेगी और हम हमेशा उनकी इज्जत करते रहेंगे और उन्हें हीरो मानते रहेंगे। फिल्मी बीट में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों और बॉलीवुड गॉसिप्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट।